होशंगाबाद प्रदेश सरकार के श्रम मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया पहली बार होशंगाबाद दौरे पर पहुंचे। श्रम मंत्री पहले कलेक्ट्रेट सभागार में नगर पालिका सीएमओ एवं जिला पंचायत सीओ जनपद पंचायत सीओ सहित अधिकारियों के साथ श्रम विभाग बैठक नगर पालिका परिषद द्वारा आयोजित हितग्राही सम्मेलन में शामिल होकर भवन सन्निर्माण कर्मकार निर्माण मंडल योजना के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिकों के हित लाभ कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बतौर शामिल हुए थे। उक्त कार्यक्रम का आयोजन सिंधिया व सुरेश पचौरी समर्थकों द्वारा आयोजित किया गया था, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री सरताज सिंह विशेष रूप से शामिल हुए थे। कार्यक्रम से अनेक कांग्रेसियों का दूर रखा जाना भी सुर्खियों में, जिसके उपरांत स्थानीय सर्किट हाउस में आयोजित पत्रकार वार्ता में श्रम मंत्री सिसोदिया ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए पूर्व की भाजपा के शिवराज सरकार को संबल योजना में हुए फर्जीवाड़े को लेकर जमकर आरोप लगाए। उन्होंने बताया कि प्रदेश में संबल योजना में फर्जी तरीके से करीब 2,50,00,000 से ज्यादा ऐसे लोगों ने फायदा लिया जो श्रमिक नहीं थे। वहीं नर्मदापुरम संभाग में 2,00,000 से ज्यादा लोगों ने फर्जी तरीके से संबल योजना का लाभ लिया है। होशंगाबाद जिले में करीब 70,000 लोगों द्वारा फर्जी तरीके से श्रमिक बनकर लाभ लेने का मामला पकड़ आया है, जिसकी जांच हो चुकी है। वहीं इस दौरान श्रम मंत्री ने इटारसी नपा में संबल योजना में पार्षदों द्वारा भी लाभ लिए जाने का मामला प्रकाश में आने की बात कही। उन्होंने कहा कि भाजपा ने इस योजना में जमकर पलीता लगाया है, राजनीतिक रूप से लोगों से उपकृत किया है। भाजपा सरकार में फर्जी लोगों ने 200 रुपए में संबल योजना के अंतर्गत बिजली का भरपूर आनंद लिया है, जिसे हमने पकड़ा है। श्रम मंत्री सिसोदिया ने प्रदेश सरकार की प्रशंसा करते हुए कहा कि हमारी सरकार ने अब बिजली की 100 यूनिट तक सभी के लिए न्यूनतम 100 रुपए की राशि कर दी है। इस दौरान मंत्री जी के साथ पूर्व गृह मंत्री विजय दुबे काकू भाई, अबिंका शुक्ला, राजेंद्र ठाकुर, कार्यकारी अध्यक्ष राजेश तिवारी, नगर अध्यक्ष अजय सैनी, भूपेश थापक, रोहन जैन, विक्की मौर्य सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी मौजूद रहे। वहीं दूसरी तरफ श्रम मंत्री के कार्यक्रम को लेकर जिले के प्रभारी मंत्री सहित जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष सहित कई चेहरों को कार्यक्रम से दूर रखा जाना भी चर्चा का विषय बना रहा। गजेंद्र राजपूत, MP न्यूज़कास्ट, होशंगाबाद। अभी तो जांच खत्म हुई है मेरे भाई, जांच अभी पूरी हुई है और कैबिनेट में प्रेसी आने में टाइम लगता है, जैसी आएगी आप सबके सामने आएगी। देखिए, ये बात नहीं है, बात ये है कि महाराष्ट्र की चुनाव है, इससे पहले झारखंड और इन सब के चुनाव थे, और ये निर्णय तो पार्टी हाईकमांड कि कौन उचित रहेगा, इसलिए मैं कोई बात नहीं कहना चाहता। मगर हाँ, इतना जरूर है कि मेरी व्यक्तिगत राय अगर पूछी जाए और हजारों हजारों कार्यकर्ता की राय पूछी जाए तो ऊर्जावान लीडर तो मध्य प्रदेश में होना चाहिए, क्योंकि प्रदेश का संगठन मजबूत होगा तो हमारी जो योजनाएं सरकार की चल रही है उसका क्रियान्वयन। मूल रूप से मेरी व्यक्तिगत राय है कि माननीय सिंधिया जी सर्वश्रेष्ठ सांसद रहे, मंत्री रहे, युवा हैं, एक बहुत अच्छे वक्ता हैं और एक काम करने की ललक, और ये मेरी व्यक्तिगत राय है और सोनिया जी को भी मैंने व्यक्तिगत निवेदन किया हुआ है। बाकी निर्णय जो माननीय कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष का राज्य से पूछिए या मुझसे मत पूछिए, ये मेरी कोई सलाह नहीं है। वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, इसमें कोई दो मत ही नहीं है। मगर अगर कहीं परिवर्तन होता है तो मेरी व्यक्तिगत राय सुनने चाहिए, बाकी पार्टी का जो निर्देश होता है वो पालन करेगी सारी पार्टी। आदरणीय सोनिया जी के नेतृत्व, जिसने महात्मा गांधी की हत्या करवाई हिंदू महासभा और गॉड से उन्हीं का कार्यकर्ता, तो अगर हिंदू महासभा करती है इसमें आश्चर्य की क्या बात है। और महात्मा गांधी कोई व्यक्ति नहीं है, महात्मा गांधी विचार है और उनको इतिहास के पन्नों से हटाना असंभव काम है, चाहे कोई कितना भी। अभी बताया ना, एक प्रश्न के जवाब में मैंने कहा कि उसमें बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है और सबसे बड़ी बात है कि समय सीमा नहीं है। हमारा श्रमिक सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचते पहुँचते उद्योगपति से लड़ता लड़ता बिल्कुल खत्म हो जाता है, इसके लिए हमने निवेदन किया है, क्योंकि अंतोगत्वा तो केंद्र की सरकार को ही कानून बनाना है। तो हमारा निवेदन उनसे जारी है, संतोष गंगवार जी से मेरी मीटिंग दिल्ली में होने वाली है बहुत से विषयों पर, और फिर देखते हैं। प्रदेश सरकार का जो हक है, मुझे याद है कि जब कोयला और अतिवृष्टि हुई थी मध्य प्रदेश में, तब शिवराज सिंह जी ने ये कहा था कि पार्लियामेंट के सामने बैठूंगा, धरने पर बैठूंगा, साइकिल से विधानसभा आते थे कि कोयला नहीं मिल रहा, पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया। आज मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में 28 सांसद, करीब 26 सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं,
चलिए हम लोग चलते मंत्रिमंडल के माननीय कमलनाथ जी के साथ और सब मोदी जी से मांग करते कि हम कोई आपसे भिक्षा नहीं मांग रहे, ये मध्य प्रदेश सरकार का जो राइट है, जो हक है, वो हमको मिलना चाहिए। एक पैसा नहीं दिया आज तक, ये बतौली की सरकार को।